महाराजगंज रायबरेली में वरासत के मामले की पैरवी करने गए अधिवक्ता से लेखपाल द्वारा अभद्रता करने के बाद लेखपाल व अधिवक्ता के बीच विवाद हो गया। देखते ही देखते दोनों एक दूसरे से मारपीट पर आमदा हो गए। घटना की सूचना मिलते ही लेखपाल व तहसील के अधिवक्ता आमने सामने हो गए। दोनों की लामबंदी देख उप जिलाधिकारी ने मौके पर पुलिस को बुला लिया। SDM और पुलिस के हस्तक्षेप के बाद फिलहाल मौके पर मामला शांत हो सका, लेकिन आक्रोशित अधिवक्ताओं ने लेखपाल पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया और बर्खास्तगी न होने पर कार्य बहिष्कार की चेतावनी दी। जानकारी के अनुसार कन्नावा गांव के लेखपाल राहुल वर्मा के पास वरिष्ठ अधिवक्ता विद्यासागर अवस्थी कन्नावा की एक वरासत के मामले की पैरवी करने गए थे। पैरवी के दौरान अधिवक्ता के अनुसार लेखपाल ने वरासत के नाम पर 50,000 की मांग की। अधिवक्ता द्वारा विरोध करने पर लेखपाल झगड़े पर आमदा हो गया और काम न करने की धमकी दी। उन्होंने कहा जिलाधिकारी शालिक राम की सह पर यहाँ के लेखपाल बेलगाम हो गए हैं। जब तक लेखपाल राहुल वर्मा व संदीप सिंह को निलंबित कर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती, तब तक तहसील के अधिवक्ता हड़ताल पर रहेंगे। वहीं अधिवक्ता पंकज प्रकाश श्रीवास्तव महाराजगंज बार एसोसिएशन के महामंत्री ज्योति प्रकाश अवस्थी ने भी लेखपालों पर गंभीर आरोप लगाए। पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर क्षेत्राधिकारी रामकिशोर सिंह व कोतवाल एन के कुशवाहा के हस्तक्षेप से मामला शांत हो सका, लेकिन अधिवक्ताओं ने लेखपाल की बर्खास्तगी न होने तक कार्य बहिष्कार की चेतावनी दी है। श्रवण कुमार रायबरेली की रिपोर्ट।